तो भाई हमारी प्यारी पार्टनर जो है, हमारी जब पार्टनर रही जा रही है, अब मैं चाहती बस मकान तो बन गया, अब नेक्स्ट हमारा यही फटाफट इसकी शादी हो जाए भाई। कोई रिश्ता रिश्ता भेजना होगा तो भेज देना है, जिसको रिश्ता भेजना होगा भेज देना, ताकि तुम्हारा कम पापा ने मांग बोला था ना तुझसे, पैसे तो नहीं मांग रहे हम, तो किराया मांग रहे हैं, 500 रुपए हो जाएगा किराया। 250 रुपए जेब में रखेंगे, 200 रुपए ये जो दिहाड़ी मजदूरी के भी तो लगेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अभिनव चिराग रावत। गाइस आप लोगों ने जो व्लॉग्स में रिस्पांस दिया है ना, उससे लिटरली मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है मैंने मेहनत भी करी और आप लोग उसमें रिस्पांस भी दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोगों को जो मेरा होम टूर था जो कल के व्लॉग में डाला था, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं, वो अच्छा लगा होगा। ठीक है, बाकी लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई मैं कर रहा हूँ, जितना हो सकता है मैं उतना कर रहा हूँ, और मैं ट्राई करूंगा मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। बाकी आज का जो ये व्लॉग है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मम्मी के बर्थडे का व्लॉग नहीं आया, और मम्मी का बर्थडे की डेट जा चुकी है, आज तो 3 अक्टूबर है। तो भाई मम्मी के बर्थडे में एक्चुअली हुआ क्या था, हम लोग जो मेजर सामान शिफ्ट कर रहे थे ना उस दिन, वो भी हमने सामान भी शिफ्ट किया था, और शाम को मम्मी का बर्थडे था, मतलब गेस्ट भी आ रहे थे, तो हम लोग इतना कुछ शूट नहीं कर पाए कि टाइम पे दो दो व्लॉग कैसे शूट करता। कोशिश करी है, थोड़ा बहुत ग्लिम्स है ये, और वो छोड़िए मम्मी के बर्थडे में जो मम्मी को गिफ्ट मिला है ना, वो बहुत यूनिक है। यूनिक इसलिए है क्योंकि देख लो आप, पता चल जाएगा। तो भैया मम्मी का बर्थडे तो यहाँ पे हमने दिया जला दिया, यहाँ पे रोज दिया जलेगा वैसे भी, और अब थोड़ा बहुत सामान सेट हो गया है यहाँ पे, ऐसे अंदर दिखाता हूँ आप। अरे वाह, तो वे भी सब लोग आ चुके हैं, और हमारे पास दो दो केक हो गए, एक एक आंटी लेके आई है, शुभ आंटी, एक एक मैं लेके आया था, तो अब दो दो केक हो गए, पहले आंटी वाला केक काटते हैं, फिर रात को ज्यादा टाइम मम्मी हमने जो लाया वो केक काट लेंगे। मेहर पे चलो भाई काटो, नो 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 ग्लास ग्लास। आप अरे इधर देखो यार, खाने में व्यस्त हो रहे क्या? चलो भाई चलो खिलाओ, ये क्या कर दिया? ये वाला आप कहाँ लाए? ये तो नई से लाया था। मैम जी हैप्पी बर्थडे टू यू। मोमो ऐसे ना, मोमो हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। हाथ धो रखे थे ना कनोनो अंकल, आ जाओ। हाँ हाँ खाना है कि लगा खाने से वही मेरे बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, लो मुंह पे भी लगा लो थोड़ा। नहीं 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 लगा, बाबा थैंक यू बाबा, बहुत है ऐसे बोलो यार, ये तो एक बात अंकल तो मैं नहीं बोलूंगी। खाने में टूट पड़ो भाई, गिरा गिरा खुला हुआ तेल है। तो भाई ये गिफ्ट किसने दिया है? मम्मी की फ्लैट की जो बेस्ट फ्रेंड है सुमन आंटी और धस्माना आंटी ने दोनों, पता क्या है गैस, और पता कैसे दिया, मम्मी ऐसी उनसे बात करती थी ना कि मेरी गैस की दिक्कत कर रही है, दिक्कत कर रही है, और आंटी लोग हमें गैस ही गिफ्ट कर देते, ये सोच के याद रखना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत मेमोरी।
क्या बहुत महंगा हो गया, मैंने कहा गिफ्ट तो हाँ भारी भी है सन फार्म का वो ने आज भेजा कल से शरारत शुरू हो रहे ना मम्मी आप करो तो भाई अब फाइनली खुल चुका है जो आंटी ने गिफ्ट दिया है गैस दिया है सन फ्लेम का बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है एकदम यार शाइन मार रहा है अब ये तो मम्मी को यूज करके पता चल जाएगा कैसे कैसे यूज करना है इसको कुछ फंक्शन वंक्शन होंगे आज अब यार देखो घर तो शिफ्ट हो गया अब होने वाली है चीजें मतलब नई चीजें आने वाली है घर पे सोफे वोफे फिलहाल ये खराब हो जाएगी अरे बाबा है ना सब घर एडजस्ट होने दो फिलहाल ये नहीं ये तो पहले मैं वो एयर फ्रायर भी चलाना कैसे लग रहा है सुंदर है और बहुत सारे सुंदर है बस सुंदर बोला मेरा देखा ही नहीं है ये बहुत अच्छा है सुंदर हाँ बोल रहा था ये ऐसी क्वालिटी का नहीं है ये तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है अलग ही दिख रहा है अभी तो सीखना पड़ेगा पहले कैसे करिए थे पहले तो फिक्स करना पड़ेगा इसे ये इधर ब्लेड हो गई है ब्लेड मिक्स की भी तो अरे ये देखने जरा बहुत तो भाई आज हमारी एक पार्टनर जो हमारे साथ काम करती थी वो जा रही है कॉलेज फाइनली अपना इतने दिन की छुट्टी करने के बाद है कब आएंगे फिर अब क्या ड्राइंग रूम में एसी लगाएंगे कोई यूज ही नहीं होता एसी का तो फिर तो दो टन का लगेगा दो टन का आप अपनी किट्टी से दोगे मेरे पति है तुम नहीं दे रहे हो अभी पैसे बाप पैसे कर रहे हैं दोनों मेरे पैसे घूरते हैं अभी रुक जाओ अभी तो गर्मी अगले साल आएगी मम्मी अब तो तुमसे तो नहीं मांगा ना मैं अरे वो छोड़ो एसी एसी छोड़ो कूलर आता है एक पिलर वाला एसी का काम करता है जो मस्त यहाँ पे जो मम्मी बोल रही है बात कर रही है जो एसी का एसी नहीं आएगा आप कूलर आ जाएगा बढ़िया लंबा वाला 6 तारीख को क्या फ्राइडे है ना वो कितनी छुट्टी कर रही है फ्राइडे है तो सैटरडे सैटरडे छुट्टी आएगी अच्छा सैटरडे संडे पापा के बर्थडे में 6 तारीख को वीडियो कॉल करना हम तो ये दिखा दें नो पैसे पैसे हैं तो पैसे नहीं देने 6 तारीख को मुझे दे दो तो भाई हमारी प्यारी पार्टनर जो है प्यारी तो खैर हमारी जब पार्टनर रही जा रही है खैर तुम जाओगे तो शांति बनी रहेगी घर में ऐसी बात नहीं है नहीं यार बहुत काम किया है इसने अभी ये जा रही है फाइनली आपका जो कमरा है उसकी हम पूरी तक रखवाली करेंगे उसको हम पूरा संपूर्ण परिवार से सभी समेत उसमें हम फ्रेश फ्रेश होने वहीं जाएंगे वॉशरूम में और आराम से उसको एकदम बढ़िया करके ठीक करके रहेंगे आपको फोटो भेज देंगे हम जब हम सोएंगे उसमें आपको फोटो भेजेंगे ठीक है ना चले फिर आपको छोड़ दे मम्मी से मिल लिया आप रोना तो नहीं है आपको मम्मी से मिल लो है अरे यार तुम एक हफ्ते बाद आना है इसने वापस चलो भाई जाओ थैंक यू है? पैसे लो इस खुशी में उन्होंने बहुत काम किया है और मैं चाहती बस मकान तो बन गया अब नेक्स्ट हमारा यही थोड़ा बट इसकी शादी हो जाए भाई कोई रिश्ता रिश्ता भेजना होगा तो भेज देना है जिसको रिश्ता भेजना होगा भेज देना निकाला के जल्दी निकाला करे ताकि तुम्हारे कमरे का हक मेरा पे बना रहे पापा ने मांग बोला था तुझसे पैसे तो नहीं मांग रहे हम तो किराया मांग रहे 500 रुपए हो गया ना किराया 250 रुपए जेब में रखेंगे 200 रुपए ये जो दिहाड़ी मजदूरी के भी तो लगेंगे किस बात की दिहाड़ी मजदूरी आपको तो 10,000 देने में वो तो खैर हमारी 10,000 कहाँ देने आपको तो 50,000 देने वैसे ये क्या बात करते हैं यार पर्सनल डील है वो हमारी कब आएंगे वो आ जाएंगे मम्मी मैंने जेब से फोन निकाला जब तुम यहाँ आ गए पैसे नहीं दे रहा बोलो चल बाय बस बोल रहा था तेरे कमरे में मेरा कब जाए बेटा अब तेरे को आज शाम को मैंने फोटो ना भेजी ना तब देख लेना तू चल अभी जानवी जा चुकी है आकांक्षा के साथ जा रही है वो
ये लोग जा रहे हैं देहरादून, अब तानू कॉलेज जा रही है। फिलहाल इस स्कूटी में पेट्रोल भरा लेता हूँ और फिर खुद भी पेट्रोल खाता हूँ, मतलब खाना खाता हूँ। तो भाई अभी जब जाह्नवी को छोड़ के घर आया हूँ और अब जा रहा हूँ वापस फ्लैट पे, क्योंकि वहाँ पे हमारा बहुत सारा सामान अभी बचा है, तो दिखाता हूँ आप लोगों को क्या बचा है। पहले चलते हैं क्योंकि मेरी तबीयत भी मुझे थोड़ा ठीक से नहीं लग रही है। फटाफट सामान ला के और फिर लेट जाएंगे थोड़ा। तो भाई घर है ये और पार्किंग से हमारी है, तो एक पार्किंग यहाँ पे, एक पार्किंग यहाँ पे, अभी तो और भी पार्किंग हो सकती है। बाकी मैंने हिंट दे दिया है, थोड़ा समझदार रहो आप लोग, समझ जाओगे थोड़े दिन में क्या होने वाला है और बहुत सारी चीज़ आने वाली है, पता चल जाएगा। अभी हमने किसी को डिस्क्लोज नहीं किया है। बाकी यार ये चीज़ें ठीक करनी है अभी, क्योंकि यहाँ पे हम कम से कम नहीं भी तो बहुत सारी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको लेके जा रहा हूँ सेंटर को लेके घर, और अभी गत्ते भी रखता हूँ उसमें, बहुत सारा सामान भी रखना है। फटाफट चलते हैं पहले, और ये सामान हमने यहाँ से निकाला ही नहीं है, मैं गाली खाऊंगा आप यार। पर कुछ भी है, सितंबर एंड होने वाला है, हो चुका है मतलब एंड, आज क्या 29 है, पर भाई धूप और गर्मी इतनी है कि क्या बताऊं भाई साहब। ये देखो दिन में धूप और गर्मी तो है ही, रात को और सुबह ठंडा तो हो रहा है, पर दिन में बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज्यादा। इतनी गर्मी है कि गाड़ी का एसी भी ढंग से काम नहीं कर रहा, पसीना दिख रहा मुझे कितना आ रहा है, प्लस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे खांसी जुकाम बुखार सा फील हो रहा है। फटाफट ये काम करके और थोड़ी देर लेटता हूँ कमरे में, बहुत थकान हो रही है। तो भाई ये डब्बा लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें जो भी शूज़ हैं अंदर बाहर वो सब निकाल के इस डब्बे में डालने हैं। ये छाता भी ताऊजी के घर जाना है, ताऊजी के बाद छाता भी लेके आना है। और आपको अगर मैं घर के अंदर की हालत दिखाऊँ अब जो है वो कुछ ऐसी है, ये देखो कैसे खाली खाली सा हो गया यार, एकदम से अजीब सा डरावना सा लग रहा है अब तो, पर बहुत अच्छा है, घर बहुत बढ़िया है, चाहे कुछ भी बोलो तुम। थोड़ा ये खराब हो रखा है हालत, तो आप लोगों को घर की हालत, ये भी किचन का मेन सामान रह गया, किचन का जो हमको शिफ्ट करना है आज या कल तो हो ही जाएगा। ये तो खैर हो गया है, और ये रह गया है ये बेड जो हमने आंटी को गिफ्ट किया है, ये आंटी कल ले जाएंगी, तो इसमें से सारा सामान हमने ले लिया है, बस ये टेबल ले जाना है। तो अभी मैं ये टेबल शू रैक और शूज वो ले जाता हूँ, फिर दोबारा आके छोटा मोटा सामान जो है ये सब चीजें ये भी ले जाऊंगा। तो भैया फाइनली अंकल जो है, अंकल ने फिर से ये सामान जो है नीचे ले आए, तो अभी ये वाला बैग और ये बैग जाएगा, बाकी फिर धीरे धीरे करके दोबारा आना पड़ेगा मुझे सामान लेने के लिए। तो भाई अब हम लोगों ने सामान रख दिया है, भैया को मैं लेके जा रहा हूँ, और डिग्गी देखो ऐसे खुली है, अब ऐसे करके सामान शिफ्ट होगा। तो भाई बहुत सेफली जो है हम लोग घर पे सामान ला चुके हैं, कुछ नहीं टूटा, अभी इन सामान को बस ऊपर रखना है। तो भाई वो सामान तो हम रख के आ गए, पर एक दिक्कत हो गई थी, अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, फिर पापा ने धक्का मारा, अब मैं गाड़ी छोड़ के आया हूँ। ऐसी अब बस ऊपर से लाना है हमको गैस सिलेंडर, चूल्हा, बिकॉज चूल्हा एक घंटी का है, और लेके आना है एक टब जिसमें कपड़े वो बर्तन है, एक टब लेके आना है जिसमें बर्तन है, बस वो आ जाएगा, उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा और आराम करूंगा, बिकॉज मेरी हालत थोड़ी खराब होती जा रही है। सो बस यही एक फाइनल सामान बचा है, जो हमारा बचा है इसको लेके जाना है और फिर हमारा काम खत्म। भैया ने बहुत हेल्प कर दी है, बस ये सामान रखना है गाड़ी में और इसको लेके जाना है। तो भाई सारा का सारा सामान अब गाड़ी में शिफ्ट कर रहे हैं वापस। आप लोगों ने गाड़ी ये डिग्गी इतने बार देख ली ना 3 व्लॉग में कि आप भी बोल रहे क्या चल रहा है भाई ये। पर भाई ऐसे ही होता है, जो हमारा मेजर सामान था आप लोगों ने देख लिया व्लॉग कि वो कितना ज्यादा सामान था, हमने कैसे शिफ्ट कराया, शाम तक शिफ्ट होता रहा वो, और फिर उसके बाद अब ये वाला सामान जो है छोटा मोटा छुटका पुटका सामान ये, बट ये फाइनल सामान है, बस अब कुछ नहीं बचा है शिफ्टिंग के लिए। भैया लोगों से हम जल्दी मिलेंगे, क्योंकि अब मैं पता नहीं कब आऊंगा, अभी परसों तो आऊंगा। भैया ने कुछ चीज़ खरीदी हमसे, वो बता देंगे आपको क्या चीज़ खरीदी है और क्या मेरे दिल की बहुत करीब थी जब चली गई है। तो मैं जैसे आपको अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि कुछ नई चीज़ आ रही है, कुछ चीज़ जा रही है, तो कुछ चीज़ें चल रही हैं ऐसी, पता चल जाएगा धीरे धीरे करके। बाकी अभी बस ये फाइनल सामान, ये बस एक फाइनल चीज़ बचती है, बाकी सारा सामान हो चुका है। पर यार सही में मतलब भैया लोगों ने बहुत हेल्प करी है, यहाँ के सभी सोसाइटी के सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, तो मैं लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे सोसाइटी में। यहाँ पे जो फ्लैट मैं रहता था, मेरा मन तो कर रहा है कि इसको ले लें, मतलब मैं ले लूँ अभी नहीं, अब ब्लॉग देखेंगे बोलेंगे अच्छा बेटे जॉब है नहीं, नौकरी है नहीं, फ्लैट ले लें, पर मेरा वो सपना हो गया अब कि यहाँ पर वो चीज़ तो लेनी ही लेनी है। चलते फिलहाल ये सामान को रखते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। तो भाई सारा ऊपर वाला शिफ्ट करते हैं, और ये मेरे जूते हैं इस डब्बे में, सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, बाकी के अलग है। और अब मम्मी ने मुझे दवाई दी थी, बिकॉज मेरे को दवाई खानी पड़ी, बिकॉज अब तो तबीयत खराब से लग रही है, इतना काम करेगा आपका बेटा तो तबीयत तो खराब होगी ना, थक गया। और अभी तक हमारा घर पर शिफ्ट छोड़ो सेट नहीं हुआ ढंग से, भाई शिफ्ट तो हो गया, शिफ्ट तो हो गया है बट सेट नहीं हुआ अभी तक घर, शिफ्ट हो गया। अभी मैं दवाई खा रहा हूँ, थोड़ी देर सो रहा हूँ क्योंकि भाई तबीयत ठीक नहीं है, और दिन में फिर हमने अभी फ्लावर्स लेने जाना है, मम्मी ने मुझे बताया, तो मेरे को कृपया करके डिस्टर्ब ना करें, और हम एसी चला रहे हैं, उसमें बहुत गर्म हो रहा है, अब जब एसी हमारे कमरे में लगा तो चला के लगाया ना, वो मैंने कब मना है मोटे, मेरा पैर मुड़ जाएगा ची ना, मेरे को पहले कुछ इनाम इनाम दो यार, मुझे पता है इतना काम कर रहा हूं मैं, इतना बड़ा घर बना के तेरे को अभी इनाम चाहिए।